तुम तीनों बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन बिजली मानव जितने नहीं। तुम तीनों बिजली मानव की बिजली तरंगों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। तुम्हारी जैसी कई बुरी शक्तियों का घमंड हमने तोड़ा है और आज तुम्हारा भी तोड़ेंगे। बिजली मानव की तरंगे कमजोर क्यों पड़ रही है? बिजली मानव के अंदर की बिजली खत्म हो रही है। हमें उससे अपने ऊपर भार करवाकर उसके अंदर की बिजली को भी समाप्त करना होगा ताकि वो एकदम कमजोर हो जाए। कभी अच्छाई और सच्चाई को नहीं हरा सकती, देर से ही सही, लेकिन बुराई को अच्छाई और सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है, जैसे अभी तुम हमारे सामने झुके हुए हो बिजली माना। बालवीर, हम इसे अभी साइंटिस्ट के पास लेके जाते हैं ताकि वो इसे अच्छे से नष्ट कर सके। बाल सखी, बाल मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली मानव बिजली गोले तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना फिर से उसमें जाकर अपने आप को पूरा रिचार्ज कर लेगा और फिर से उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा जितना पहले था, और फिर उसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो बिजली मानव बिजली गोले तक नहीं पहुंचेगा। बाल मित्र, बाल सखी, अभी वो कमजोर है और यही सही समय है उसे समाप्त करने का। जाओ, मेरी चिंता मत करो, उसका पीछा करो। ठीक है, चलो बाल मित्र। ऐसा झूला झुलाओ ना कि मजा आ जाए। जीजा जी ने जब झूला झुलाया था ना तब अच्छी हवा नहीं आ रही थी। मासी, अब चिंता मत कीजिए, अब मैं हवा दे रहा हूँ। देखना, आपको मैं मुंबई से मनाली पहुँचा दूंगा, और मासी वहाँ भी बर्फ का ऐसा जबरदस्त तूफान आएगा। मत चलाना, हाथ चलाना। जी क्या होगा वो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। हाथ चला, चल जा पीछे, हमें जा मुझे। ये ऐसे जरा जोर से, जोर से, और तेज, और तेज, ये वाह वाह, मजा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। बापूजी कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? कहीं मनाली तो नहीं पहुँच गए? मनाली कैसे पहुँचेगी माँ? मासी, बाप रे, मासी, हाँ, आपने देखा नहीं बापूजी कहाँ चले गए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सो गई थी। अब सो गई थी? बोलो बोलो, ये आम है, ऐसा मेहनत कर करके झूला झूला रहा हूँ और आप आराम से सो गई? तो इसलिए तो झूला झूला रहा था ना कि आराम से सो सके। लेकिन बापूजी कहाँ गए वो तो देखना चाहिए था। बापूजी, जीजा जी,
ऊपर कैसे पहुंच गए? आज बिजली मानव का धरती पर आखिरी दिन है, मुझे जल्द से जल्द बाल मित्र और बाल सखी की मदद के लिए जाना होगा। नहीं बाल मित्र, तुम्हें इस वक्त बिजली मानव की तरफ नहीं बल्कि बिजली गोले की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली गोला और बिजली मानव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और जब तक बिजली गोला समाप्त नहीं होगा हम बिजली मानव को भी समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली गोले से बिजली मानव लगातार ऊर्जा शक्ति प्राप्त करता रहेगा। अगर ऐसा है तो आज मैं बिजली गोले को भी नष्ट कर दूंगा। नहीं, अगर तुम उस बिजली गोले को बाहर से नष्ट करोगे तो उसके अंदर से इतना करंट निकलेगा कि हमारा पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। तो फिर उस बिजली गोले को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? बिजली गोले को नष्ट करने के लिए तुम्हें उसके अंदर जाना होगा, और उसके अंदर जाकर तुम्हें ये करंट डिफ्यूजर उसके अंदर फिट करना होगा। छोटे से डिफ्यूजर से क्या होगा? ये दिखता छोटा है बाल्बी, पर इसके अंदर कई हजार किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करने की पावर है। जब तुम बिजली गोले को नष्ट करोगे तो उसके अंदर से जितना करंट निकलेगा ये सब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा शहर जलने से बच जाएगा। लेकिन बालवीर, लेकिन क्या? उस बिजली गोले में प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। तुम जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करोगे तुम्हें तेज झटका लगेगा कि हो सकता है तुम जलकर राख भी हो जाओ। लेकिन अगर मैंने उस बिजली गोले में प्रवेश नहीं किया तो पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा, और इसीलिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ए महेश बेटा, मैं यहाँ लटक गया हूँ, कुछ करो, मुझे नीचे उतारो। महेश, हाँ? जीजा जी को ऊपर से नीचे उतारने के लिए वो लेके आओ। क्या? अरे वो जिसके ऊपर चढ़ने से जीजा जी डरते हैं। ऊंट? बाबू जी भूल गए, हम लोग जब राजस्थान गए थे तो आप ऊंट पर चढ़ने से कितने डर रहे थे। लेकिन ऊंट यहाँ घर में नहीं आ पाएगा भाई। अरे ऊंट नहीं, जिसके ऊपर चढ़ने से आदमी ऊपर पहुँचता है। झूला? झूले से कैसे कोई ऊपर चढ़ेगा? क्यों, बाबू जी चढ़े ना ऊपर। अरे नहीं, झूला नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग एक सीढ़ी लेके आते हैं। हाँ सीढ़ी, कभी से वही बात कर रही हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? तो मुझे नीचे उतारो। हाँ उतारता हूँ बापू जी, उतारता हूँ, लेकिन पहले मालिये पर से सीढ़ी उतारनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उतारता हूँ। रुको। क्या रुके, जा। आ रहा हूँ मैं सीढ़ी। जीजा जी, आपके लिए चाय लेके आऊँ? इतनी गर्मी में कोई चाय पीता है क्या? इतनी गर्मी में कोई ऊपर चढ़ता है क्या? ये कब आएगा? आओ जी, आइए आइए आइए। आ रहा हूँ बेटा। आइए आइए आइए। आ गया। अरे इधर हूँ बाबूजी। तो इधर क्यों आइए आइए बोल रहा था? अरे मैं तो सीढ़ी लेके आ रहा था, उसमें आइए ये बोला तो उधर चले गए आप। आइए आइए बेटा, ये हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। ओके ओके, चलो एक काम करते हैं बाबूजी। आइए बाबूजी, आप ऊपर से कूदिए, मैं आपको आराम से कैच कर लूंगा। कैच छूट गया तो आप आओ। मैं कैच छोड़ूंगा ही नहीं, आपको पता नहीं है बाबूजी, आपको पता नहीं है, हमारे कैप्टन के क्रिकेट के टीम का मैं स्कूल था। हमारी स्कूल की क्रिकेट की टीम का मैं कैप्टन था, और वो टीम हमेशा हार जाती थी। तू सचमुच था? क्यों? लेकिन तू जो था वो तो तू बोल भी नहीं पा रहा है। वो माइंड ऑफ स्लीप है मासी। क्या? स्लीप ऑफ माइंड है मासी। आयो। मैं पकड़ता हूँ, आप आइए। ठीक से पकड़ना। हाँ, बहुत कस के पकड़ा है मैंने। ठीक से है बेटा, जबरदस्त कस के पकड़ा है। मैं हूँ बाबूजी, आइए। पकड़ो मुझे। पकड़ो, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए खुद। बिजली मानव अपने आप को रिचार्ज करने के लिए बिजली गोले में जा रहा है, हमें उसे बिजली गोले में जाने से रोकना होगा। बिजली मानव को रिचार्ज होने के लिए बिजली गोले में जाना होगा, लेकिन उसके लिए बिजली मानव को बिजली तरंगों की शक्ति की जरूरत है।
बिजली मानव रिचार्ज होने के बाद अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा। बिजली मानव की बिजली तरंगों से अब दुश्मन नहीं बचेंगे। बिजली के गोले के अंदर जाना होगा, तभी मैं इसकी विद्युत शक्ति को सह पाऊंगा। हम तुम्हें दोबारा रिचार्ज होने का मौका ही नहीं देंगे। बिजली मानव खतरे में, बिजली मानव को अपनी रिजर्व तरंगों का इस्तेमाल करना होगा। बिजली सोखने वाले यंत्रों को यहाँ पे लगाना होगा। लेकिन लेकिन मैंने लगाऊ कहाँ पर? यहाँ पे तो चारों तरफ बिजली ही बिजली है, कहाँ लगाऊ मैंने? मैं यहाँ पे लकड़ी का जाल बना देता ताकि मैं पर इन्हें लगा सकूं, क्योंकि लकड़ी पर बिजली की तरंगों का कोई असर नहीं होता। बालसखी, बिजली मानव की विद्युत तरंगें बहुत तेज है, हम इसे ज्यादा देर तक हवा में पकड़कर नहीं रख पाएंगे। बाल मित्र, यह बालसखी समुद्र है, वही सही जगह होगी इसे छोड़ेगी। तुमने बिजली मानव से टकराकर बहुत बड़ी गलती की है। बिजली मानव अपनी सारी तरंगों का इस्तेमाल करके तुम दोनों को राख बना देगा। अगर मैं ज्यादा देर तक आ रहा तो चलकर राख बन जाऊंगा। नहीं बिजली मानव, गलती हमने नहीं तुमने की है। तुमने अपनी बिजली शक्ति का उपयोग शहर के विनाश के लिए किया, इसलिए अब हम तुम्हें और तुम्हारे अंदर की बिजली की शक्ति के आखिरी कण को भी तुम्हारे साथ साथ समाप्त कर देंगे। सागर की लहरें देख रहा बिजली मानव, जैसे तुमने अपनी बिजली शक्ति की मदद से शहर को अंधेरे में डाला है, ये सागर की लहरें भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डाल देगी।
खींची जाती है और बिजली वालों को भेजी जाती है। इस कक्ष को नष्ट करते ही ये बिजली गोला अपने आप नष्ट हो जाएगा। ओहो जीजा जी, ज्यादा दर्द हो रहा है तो ठीक है। पप्पू जी, बाहर बहुत ज्यादा कड़ी धूप है, लीजिए ये आपके लिए बाम लेके आया हूँ, आप लगा लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। महेश हाँ? बाम लेके आया तो आटा नहीं लाया। मौसी क्या बताऊँ, ज्यादातर दुकानें तो बंद है और जो खुली है ना उनका कोई अर्थ ही नहीं है, उनके पास कोई स्टॉक ही नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, भूखे होंगे तो खाना कैसे पकेगा। अरे हाँ, हमारे पास वो है ना गोल गोल, वो फुटबॉल, फुटबॉल से खाना पकेगा क्या? वो जो हम बोलते हैं ना जेल में जाते हैं तो वो पीसना पड़ेगा, चक्की। हाँ चक्की, लेकिन चक्की पीसेगा कौन? पीसेगा कौन क्यों, हमारे घर में चक्की है, गेहूं है, महेश है और जीजा जी भी है ना। तुम डाले जा रही हो लेकिन ये तो घूम ही नहीं रहा है। क्या जीजा जी, अब से चक्की भी नहीं घूमती है। नहीं घूमती है मतलब मैं क्या जेल जाके आया हूँ जो मुझे इसकी आदत हो? तो आपको भेज दे क्या 2 दिन के क्रैश कोर्स के लिए जेल में? मतलब मुझे तुम जेल में भेजोगे? उन पर गुस्सा मत होइए बाबूजी, वो सिर्फ आपको वहाँ प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहती है। हाँ। यही सुनना बाकी था, नहीं घूम रहा है तो नहीं घूम रहा है। कमजोर बाबूजी। कमजोर बाबूजी, मैं कमजोर हूँ ना, तो तू घुमा के बता इसको। तो मैं तो घुमा, तो आप ये लीजिए। तो आसान काम है ये, तो कोई भी कर सकता। ठीक है आसान काम आप कीजिए, मैं डिफिकल्ट करता हूँ, आइए। अब आप उठा के दिखाइए। अरे बाप रे, कितना भारी है ये? ये मिर्ची पिसने का बांबू है या हनुमान जी की गदा? मसाले पिसने वाला बांबू। तो उठाता हूँ ना, देख अभी दे, एक सांस में उठा लूंगा। कमाल ना। बिजली मानव, तुम्हारे अंश से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे अंदर की बिजली तुम्हें ही समाप्त कर देगी। बिजली मानव कभी नष्ट नहीं होता, बिजली मानव अपने दुश्मनों को नष्ट करता है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.